समझो जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, 28-30 लोग आपके घर में रहते हैं और उसमें से सिर्फ एक जना ऐसा है जो जिम जाता है, कॉम्पिटिशन खेलता है, 29 लोग उसको हमेशा लेट से बोलते हैं ये क्या तरीका है, मतलब ये क्या प्रोफेशन है, और लेट से आपका कोई पड़ोसी आपको ये भी बोल देता है, ऐसी ट्रॉफियाँ बाजारों में बहुत मिलती हैं, खरीद खरीद के आप घर पे रख लो, इनसे ताने तो आते ही हाँ हाँ इनसे भविष्य नहीं बनता। तो मेरे पास अब उनको कुछ कहने के लिए नहीं था, अब जो भी मुझे मिलने आता था, हाँ देखो हमने तो पहले ही बोला था यार ये पहलवानी में कुछ नहीं रखा, लोहे से लड़के शरीर तोड़वा लिया। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा को ये लगता था कि एक्चुअली में उनसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने अपने बच्चे को ओपन हैंड दे दिए जस्ट टू बी कि ऐसे फील्ड में जाने के लिए कि जहाँ पे कुछ मतलब पता ही नहीं है। तो मेरी मम्मी मेरे पास बैठती थी, वो रोती थी और मैं चारों दीवारें देखता था और सोचता था मैं बस हो गया ख़त्म। तो बट मैं मतलब इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि दैट्स अ फेस, हर एक की लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्ट फेज आते हैं। मुझे लगता है कि कोई इंसान शरीर से अपाहिज हो जाए तो चल जाएगा, दिमाग से अपाहिज नहीं होना चाहिए।